नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गदाधारी बाकेलाल, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 21 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। बाकेलाल ऐसे भागा कि अगर घुड़दौड़ में भागता तो अब्बल आता। पकड़ो पकड़ो, भागते हुए हम श्राप नहीं दे सकते। पकड़ो इस बोधी वाले को। भाग धन्नो, आज तेरी बसंती की इज्जत का सवाल है। ये बदबू कहाँ से आ रही है? आज सुबह भिक्षा में मिले मूली के पराठे खाए थे, तब से पेट में वायु विकार आ गया था। ऋषि कानाचारे, अपनी धोती संभालिए, खोल गई तो तुम्हारी हड़िप्पा हो जाएगी। अरे ये लुक्का बाकेलाल गधा उठाए आगे आगे भाग रहा है, और पीछे पीछे ऋषियों की फौज। जरूर इसने इनसे भी पंगा ले लिया होगा। मैं भी पीछे लग जाता हूँ। वहां से कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे, नदी में कूदकर दीमकों से तो जान बच गई, पर मेरी इकलौती छाल में दीमकों ने छेद कर दिया। इन पत्तों को जोड़कर अपने लिए वस्त्र बनाना पड़ रहा है। अगर वो बोधी वाला बाकेलाल मिल गया तो गुर्र, उसकी तो मैं दोनों ढोल के बजा दूंगा। जब पिपाही का ध्यान एक ओर से उड़ते सोर की तरफ गया। आए ये सोर कैसा? अरे ये तो वही दुष्ट बाकेलाल है जिसके कारण मेरा यह हाल हो गया है। गुर्र, पर इस निर्वस्त्र अवस्था में उसको झप्पी कैसे पाऊं? यहां छुप जाता हूं। और मेरे बाप, तू भगवान के लिए चुप रहना, वरना ऋषियों को पता चल जाएगा कि मैं यहां छुपा हूं। गधे को बाप बोल दिया है। जिंदा रे पुत्र। बाकेलाल ने इस गधे को कंधे पर क्यों उठाया हुआ है, और ये चुप किससे रहा है? जरूर कोई चक्कर है। यही फेंक कर मारता हूं उस बोंदी वाले के टेंट पर। परंतु झप्पी पाई का निशाना चूक गया और तड़ाक। अरे ये मेरे ऊपर क्या गिर रहा है? कहीं तूने सूसू तो नहीं कर दिया? ये तो सचमुच गधा है बाकेलाल, ये तो शहद है। मधुमक्खिया क्रोधित हो गई। किसने हमारा छाता तोड़ा? घुर बिन, डंक मार मार कर ऊपर से नीचे तक सुझा देंगे उसको। आसपास जो भी दिखे उस पर टूट पड़ो। ठीक उसी वक्त ऋषियों का झुंड और लमडिंग भी वहां पहुंच गए। अरे बाप रे, इतनी सारी मधुमक्खियां कहां से आ गई? वो देखो, इतने सारे मनुष्य, किसी को मत छोड़ो, सबको भंबो डालो। इसमें भी जरूर उस दुष्ट बाकेलाल की ही कोई चाल होगी। टूट पड़ो साथियों, आक्रमण! ये सब तो काट काट कर सब कुछ लाल कर देंगी। इनको तो श्राप भी नहीं दे सकते। अपनी अपनी धोती उठाकर यहां से भाग लेने में ही भलाई है। भागो! मधुमक्खिया भीड़ पर टूट पड़ी। अरे कोई मेरी धोती में से मधुमक्खी निकालो! हाय हाय, मर गया! आ बचाओ! अरे उधर देखो साथियों, वो बोधी वाला पेड़ के पीछे छुपा है। लगता है हमारा छाता भी इसी ने तोड़ा है, तभी तो ये शहद से नहाए हुए है। चलो साथियों, इसको डंक मार मार कर सुझा देंगे। अरे बाप रे, मधुमक्खियां तो हमारी ही ओर आ रही है। जल्दी भाग बाकेलाल, मुझे मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है। जल्दी भाग भाग बाकेलाल, अगर मधुमक्खियों ने मुझे काटा तो मैं दुलतिया मार मार कर तेरी बैठक सुझा दूंगा। अरे वो तो ये मधुमक्खियां काट काट कर वैसे भी सुझा रही हैं। हाय हाय, हमसे पंगा लेगा? घुर, जो लेगा हमसे पंगा उसे कर देंगे नंगा। अबे नंगा क्यों हो रहा है? मेरे वस्त्रों पर शहद लगा है, अगर वस्त्र नहीं उतारूंगा तो ये मधुमक्खियां हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। ओ कायर, दम है तो बाहर निकल, ये मानो भेड़ चाल करते हैं, बाकी भी इसके पीछे नदी में कूदेंगे। छपाक! उन्हें रास्ते में ही डंक मारना साथियों, निशाना बनाना पिछवाड़े को, क्योंकि इन सभी को पिछवाड़े बहुत प्रिय होते हैं। छपाक! हाँ, पिछवाड़े पर ही ये मानो आराम फरमाते हैं। मधुमक्खियों के वहां से हटते ही सबसे पहले बाकेलाल नदी से बाहर निकला। मधुमक्खियां चली गई। फटाफट यहां से निकलकर भाग चल बेटा बाके, कहीं ये सब तुझे नदी में ही डुबो के ना मार दें। फाम! ये ककड़ी मुझे लाल कच्छा दिखा रिया है। बैठक फोड़ डालूंगा ससुर की। गुर्र, खतरा टल चुका है, अब कपड़े पहन लेता हूं। परंतु ये दौड़ने की आवाज कहां से आ रही है? अबे पीछे घूम कर देख बोधी वाले, पेंदी मारी होने वाली है। धगड़ धगड़ धगड़। गुर्र,
लाल कच्चा दिखाता है, पेंदी भी लाल कर दूंगा। बांकेलाल ने जब तक देखा बहुत देर हो चुकी थी। अरे बाप रे, भयंकर फुफकार, धड़ाक। हाय हाय, मार डाला तो डाले मेरे तबले, ची ची। अरे ये नंगा आदमी गधे को उठाकर उड़ कैसे रहा है? अरे ये बोदी वाला उड़ कैसे रहा है? उड़ नहीं रहा, सांड ने ठुंडा चेप दिया है। बड़ा लाल कच्चा दिखा रहा था। इस घटना से कुछ ही दूरी पर शेरों का वो झुंड अपने साथी के हत्यारे को ढूंढ रहा था। ढूंढो साथियों, ऐसे मनुष्य को ढूंढो जिसने गल से शुरू होने वाली कोई चीज कंधे पर उठा रखी हो। गह से क्या हो सकता है? गमला, गुल्लक, गुलाब, गुलकंद, गुलाब जामुन, सरलाप। मुंह में पानी आ गया। अबे गह से गमला होता है, बाकी सब चीजें गू से होती है। छी छी। बाकेलाल की बदकिस्मती कि वो सीधा एक शेर के ऊपर गिरा। हम पे किसने नंगा मनुष्य डाला, दबा के इसने हमें मार डाला, मार डाला। गुर्र। अच्छा भाई, अप्पा चल दे हैं गया। गह से गधा, यही है। इसने गह से गधा अपने कंधे पर उठाया हुआ है। यही है वह हत्यारा। चबाऊ के बाद इसने डकारू को भी मार डाला। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। पता की हो, बच के जाने ना पाए साथियों, बोटी बोटी चबा डालो इसकी। शेरों के झपटने से पहले ही बाकेलाल पूरी फुर्ती से कूदकर भाग खड़ा हुआ। भाग बेटा भागे, वरना ये तुझे नहीं छोड़ने वाले। पूरा बावला है ये बोदी वाला मुंडा, परंतु शेर भी इतनी आसानी से पीछा कहाँ छोड़ने वाले थे। ओ तेरा पीछा ना छोड़ेंगे बोदी वाले, भाग ले चाहे जंगल में। गुर्र। इसी रास्ते से भागा है वो दुष्ट, खोजो उसे। हंगला बुगला, गिली 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 गिली, लारा लप्पा, हंगला बुगला। शेरों से बचता बाकेलाल वहां पहुंच गया। जिस वक्त जिस जगह देखना चाहिए उस वक्त उधर छोड़कर सब तरफ देख तू। धड़ा, ओह किससे टकराया मैं? बाकेलाल की टक्कर से वो मूर्ति गिर पड़ी। मर गए, ये तो नरभक्षी जंगली है, और सुबह किसका मुंह देखकर उठा था मैं? धड़ाम, अपना ही मुंह देखकर उठा होगा मनहूस। जंगलियों ने जैसे ही सिर उठाया, हंगला बुगला, नंगा आदमी, पोड़ी पोड़ी, अरे ये तो हमारे देवता जैसा दिखता है। इले पिले, ये तो हमारा देवता ही है। अगड़म बगड़म, अरे इन्हें पकड़ लो, जाने मत दो। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या पता, मैं इंसानों की भाषा समझता हूँ, जंगलियों की नहीं। शायद ये सोच रहे हैं कि हम कैसे खाएं, तेल में तल के या आग में भून के या फिर खोलते शोरबे में पका के। हंगला बुगला, देवता को पकड़ो। गधे भाई, हाँ बाकी भाई, ये तो अपनी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ आ तो रहे हैं, लगता है कि इन्होंने फैसला कर लिया है हमें कैसे पकाकर खाएंगे। हाँ लगता तो है, तो अब क्या करें? अबे गधे भाग। हंगला बुंगला, पोड़ पोड़ा, पकड़ो पकड़ो, देवता भाग रहे हैं। बुरे फंसे, पीछे कुआं आगे खाई। जल्दी कुछ कर, वरना तेरी सामत आई। मिल ही गए मनुष्य, तुम मिल ही गए। कोई मिल गया, हाँ कौन मिल गया, हत्यारा मिल गया, परंतु इसके पीछे ये भीड़ कैसी? इसने हमें मारने के लिए गुंडे मवाली बुलाए हैं। गुर्र। टूट पड़ो इन सब पर, किसी को भी मत छोड़ना। हंगला बुंगला, पौना पौना, अरे इतने सारे शेर, लूंगी कुत्री, देवता ने हमारे लिए भोजन का इंतजाम किया है। हंगला बुंगला, सिट्री पिट्री टेली, टूट पड़ो इन सब पर, किसी को भी मत छोड़ना। हंगला बुंगला, मारो मारो, घर मारो मारो, यही मौका है बांके, ये सब आपस में लड़ रहे हैं, निकल ले यहां से। जान बची तो लाखों पाए, परंतु इस बार उसकी जान इतनी आसानी से नहीं बचने वाली थी।
अजी हमसे बचकर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। अब पकड़ में आया है ये बोधी वाला, इसे श्राप देकर टिंडा बना दो, नहीं खुजली वाला कुत्ता बना दो, नहीं कीड़ा मकोड़ा बना देते हैं इसको, नहीं इसे कुकुरमुत्ते का पेड़ बना देते हैं। इसके गधे को भी मत छोड़ो, ये भी बड़ा बदमाश है, इसे श्राप बाद में देना, पहले मुझे इसे अपनी 1001 कविताएं सुनाने दो। ये तो पहले ही गधा है, इसको श्राप देकर क्या बनाएंगे। अबे बुड्ढो बदमाशो, कपड़े पहनकर इतरा रहे हो, हिम्मत है तो मेरे और मेरे भाई बांके की तरह नंगे होकर मैदान में आ जाओ। अरे नासपीटो कमबख्तो, मुझे श्राप देने की सोच रहे हो, मैं मायावी गधा हूँ, मुझे श्राप दोगे तुम सब भस्म हो जाओगे। मायावी गधा, मायावी गधा, और नहीं तो क्या, कभी किसी साधारण गधे को देखा है आदमी पर चढ़कर आदमी की भाषा बोलते हुए? मुझे जो भी भरपेट अच्छा खाना खिलाता है मैं उसे सोने की लीद देता हूँ। तुम में से कोई ऐसा है जिसकी लीद सोने की हो? याद रखो, याद रखो, पीली लीद को सोना नहीं कहते। सोने का नाम सुनते ही सबके दीदे चौड़े हो गए। सोने की लीद? अबे बहरो, एक बार में बात सुनाई नहीं देती क्या? तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? झूठ तो इंसान बोलते हैं, मैं गधा हूँ, कसम खाकर बोलो कि तुम सोने की लीद देते हो, तेरे बाप की कसम, इसका मतलब ये सच बोल रहा है, ये सचमुच सोने की लीद करता है। पलक झपकते ही सारा मैदान खाली हो गया। अरे ये सारे के सारे अचानक कहाँ गायब हो गए? तू देखता जा बोधी वाले, अभी तो तमाशा शुरू होने वाला है। अगले पल, गधे देवता लो ये केला खा लो, नहीं नहीं गधे देवता ये हरी हरी दूब खाओ, नहीं ये देसी घी के बने मोदक खाओ, नहीं नहीं ये गर्मा गर्म जलेबियाँ खाओ, नहीं नहीं ये खास्ता कचौड़ी खाओ। देखा बाके, मैंने कहा था ना ये तमाशा तो अब शुरू होगा। खिलाओ खिलाओ सब खिलाओ। बाकी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। एक तो ये गधा वैसे भी इतना भारी है कि मेरी कमर इसे उठाकर टूट रही है, उस पर अगर इसको ये लोग इतना ठुसा देंगे तो मैं इसके नीचे दबकर मर जाऊंगा। भाग बेटा भागे, ये गधा तो तेरी जान लेने पर तुला है। अबे भाग क्यों रहा है, तू भी थोड़ी घास खा ले, रोमची मत खा। फिर शुरू हो गया चूहे बिल्ली का खेल, लो ये घास खाओ। अबे भाग क्यों रहा है कंबख्त बाकेलाल, गधे देवता को खिलाने तो दे, खाए जाओ मकारी के गुन गाए जाओ। अरे कंबख्त तो मेरे नाक में घास और मुंह में गन्ना क्यों डाल रहे हो? गनीमत मना बाकेलाल कि गन्ना मुंह में ही जा रहा है। जंगल से भागते भागते बाकेलाल पहुंचा विशालगढ़। अरे ये बाकेलाल जी कच्चे में गधे को कंधे पर उठाकर क्यों भाग रहे हैं, और पीछे पीछे तपोवन के ऋषियों की फौज लगी है, ये क्या चक्कर है? भागते भागते बाकेलाल को लगी प्यास, प्यास से हाल बुरा हो रहा है, और वो रहा कुआं, चलकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। बाकेलाल पहुंचा कुएं पर, कृपया थोड़ा पानी पिलाए। बहुत कमसीन हो हसीना, लुच्चे लपेंगे नाच पीटे कर्म चले, कच्छा पहनकर लड़कियों को छेड़ने आया है, ये तो बड़ा टाइंग है, गंदे गंदे इशारे करता है, मारो ककड़ी को। पुई हाय हाय आह, मुझे क्यों मार रहे हो शैतानों की। पुई हाय आह, मुझे क्यों मार रहे हो शैतानों की खलाओं। वहां से जान बचाकर बाकेलाल भागा तो आगे शैतान बच्चों के झुंडों ने घेर लिया। वाह क्या सवारी है, मारो मारो कंकर मारो ककरी को, तुम सबको देख लूंगा बदमाशो। अरे मेरा कच्छा छोड़ दे बदमाश, सरक गया तो। जल्दी विशालगढ़ में भी सोने के लीद वाली गधी की बात फैल गई। ये बाकेलाल सारी सोने की लीद खुद लेना चाहता है, इसलिए गधे को उठाकर भाग रहा है। पकड़ो पकड़ो, हर किसी को गधे के खिलाने का सुरूर चढ़ गया। अरे बच्चे को खाना कहाँ लेकर जा रही हो? चुप कर, तेरे मुस्टंडे बच्चे तो दिन रात ठूंसते ही रहते हैं, गधा देवता को खाना खिलाऊंगा तो सोने की लीद मिलेगी, तेरे बच्चे की लीद से तो दुर्गंध आती है। अबे कहाँ भाग रहा है थाल लेकर, हमें मिठाइयाँ कौन देगा,
चुप्पे, ये सारी मिठाइयां गधा देवता को खिलाऊंगा। माँ, हमारा चारा लेकर भाग रहा है। गधा देवता, मैं आ रहा हूँ, हम दूध नहीं देंगे। तब क्या लीद खाएगा? माँ, हमें भी सोने के लीद चाहिए। पकड़ो पकड़ो। मजा आ गया, खिलाओ खिलाओ। इससे अच्छा तो जंगल ही था, यहाँ तो सारा विशालगढ़ पीछे पड़ गया है। भागते भागते मेरे डमरियों से भी मेरे डमरुओं से भी पसीना छूट गया है। ये खबर विशालगढ़ के राज दरबार में भी पहुंच गई। क्या कहा संतरी? मेरा बांकू सिर्फ कच्छा पहनकर एक गधे को अपने कंधे पर उठाकर विशालगढ़ में भाग रहा है। बोधी वाला सचमुच बावला हो गया है। ओह, मेरा मतलब बहुत बुरा हुआ। ये खबर सच है महाराज, और ये भी खबर है कि वो गधा मायावी है, वो सोने की लीद करता है। नारा मंत्री, नारा खींचो, मेरा मतलब नारा लगाओ। इसी बात पर बोलो कच्छे वाले बाकेलाल की जय जय। विक्रम सिंह चिंतित हो गए हैं। सेनापति, सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर जाओ और पूरे मामले की छानबीन करो। जो आज्ञा मुच्छड़ महाराज, आखिर मुझे भी तो सोने की लीद चाहिए। उधर बाकेलाल अपनी जान बचाकर वापस जंगल की ओर भाग रहा था। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, लाल कच्छा पहन के बांके दौड़ा है, दौड़ा है बांके दौड़ा है। भाग बेटा बाके जंगल की ओर, एक बार इस भीड़ से पीछा छूटे फिर इस मनुष्य गधे से पीछा छुड़ाने का उपाय सोचूंगा। चलो मेरे धाकर लौंडो, बोधी वाले बाकेलाल को चूहे के बिल में से भी खोज निकालो। तबड़क तबड़क तबड़क। सोने के लिए करने वाला गधा मिल जाए तो मैं भी सेनापति गिरी छोड़कर कोई छोटा मोटा देश खरीद कर उसका राजा बन जाऊंगा। दूसरी ओर राजमहल के पुस्तकालय में पुस्तक मंत्री, उई, यहां तो लगता है कि भूचाल आ गया हो। अब ये सब मुझे ही ठीक करना होगा। आए, ये क्या? कम तपस्या में धांसु वरदान देने वाले 101 देवी देवताओं के मंदिर। पुस्तक का हर पृष्ठ पलटने के साथ पुस्तक मंत्री के नेत्र विक्रम सिंह की तोंत के जैसे फैलते जा रहे थे। ओह, तो ये बात है, मुझे फौरन महाराज को आगाह करना होगा। वाह, तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, बोधी वाला बाकेलाल मेरे गधे को ढो रहा है। अब वक्त आ गया है, अब पूरा होगा मेरा प्रतिशोध। कौन सा प्रतिशोध लेना चाहते हैं गधादेव? क्या बाकेलाल मायावी गधे से पीछा छुड़ा पाएगा? क्या जादूगर गलाटा गुरु विक्रम सिंह को मार सका? जानने के लिए पढ़ते रहिए कि किसे मिली सोने की लीद। तो ये कहानी यही खत्म होती है। अब इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम सोने की लीद में। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले कहानी में, तब तक के लिए बाय। और हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर और जहां जरूरत हो वहां शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।